my channel. So today is day 2 of our Northeast ride and अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं guess what boat ride के लिए. So यहाँ पे हम लोग चार चार के ग्रुप में जाएंगे, दो पे एंड पीछे हम लोगों का स्टे था. सो वी थॉट टू गो और यहाँ पे कुछ 45 मिनट्स का बोल रहे हैं वैसे बोट राइड रहने का. बट लेट्स सी, बट द रिवर इज ट्रांसपेरेंट मैन, मतलब हाउ इट कैन बी, इतना साफ पानी है. वाओ, सी दिस. क्या बात, यहाँ से शादी करके जाएगा, उससे पहले सबको पार्टी देगा. हाँ नहीं, इसका बोट में शादी कराने का है वो, है ना, वो डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप सा. अच्छा, डेस्टिनेशन वेडिंग गुवाहाटी में. अबे बोट में करा देंगे हम. नहीं नहीं नहीं, लुक एट दिस यार, मतलब क्या ही नज़ारे हैं. तो अभी थोड़ा सा बीच में बोटिंग वोटिंग करके जाएंगे तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि बेसिकली कितना ट्रांसपेरेंट वाटर है. उसके लिए आई एम कैरिंग दिस वाटर प्रूफ वाला, ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस दे पाऊँ. एंड कायाकिंग राइट, सो वो वाला रहता है. तो बेसिकली आप लोग इधर आ सकते हो एंड अपने से चला सकते हो. नो नो यार, डायरेक्शन चेंज हो गया, कहीं चला गया तो. हाँ सही बात है, रिवर भी एक ही है. सुनो, वाटरफॉल है. अरे आपको इससे अच्छा कॉर्नर. हाँ कॉर्नरिंग तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे. एंड उधर पे ब्रिज है, वो देखो वो लोग उधर जा रहे हैं. बट मजेदार है यार. और बोलो भाई, अरे आ जाओ रेस लगाते रे. मजा आ रहा है भाई, आ जाओ तो अभी देखो हम लोग यहाँ से पूरा पानी के ऊपर से जा रहे हैं. ये यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट पानी है, थोड़ा सा और ऊपर से बहुत अमेजिंग दिख रहा था. मिशिंग भी होती है और हाँ वो भाई साहब बड़ा लिजर्ड है यार. हाँ कितना बड़ा है, पत्थर के बीच में रहने वाला वो. नहीं नहीं ठीक है, दूर से उछल के आ गई तो बोट से साला कूदेंगे भी कहाँ है, गहरा पानी है. तो अभी हम लोग 10-15 मिनट्स का बोटिंग करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे, बहुत सही सी लोकेशन में जहाँ पे है एक वाटरफॉल. तो दिस इज द वाटरफॉल, उधर साइड में दिख रहा है, यहाँ से ऊपर साइड से कहीं से पानी आ रहा है. Look at this. ओह, पानी के उससे अपने से ही जा रहे हैं. हेलो स्माइल. देयर यूज्ड टू पीपल लाइक दिस. इसका सिनेमैटिक बहुत वाओ. ओ फरना फरना बता रहे हम तो. हां यहाँ जो मछली पकड़ते हो उसको नहीं पकड़ते. गिरते थे ना तो टुकड़े टुकड़े हो जाते थे. सही है. उधर जिप लाइन चल रहा है, वो देखो वहाँ से स्ट्रेट जाके उधर पे. अरे ये करके जाना चाहिए था ना, हम लोग कल फालतू में इतना चल के गए. ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग. एंड बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी.
थोड़ा साइड में रुक जाते हैं, बाकी सारे राइडर्स अभी निकलने वाले हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे जीरो पॉइंट, एंड जीरो पॉइंट में हम लोग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर देखेंगे। देन उसके बाद अपने को फिलिंग भी कराना है। एक लाइन वैसे दिखा रहा है बट एनीवेज चल जाएगा। इतनी ज़्यादा गर्मी है अभी रात के टाइम में, और दिन के टाइम में जितना ठंडा था ना उतना ही अभी के टाइम पर गर्मी है। अभी बिना कुछ देरी के हुए चलते हैं, एंड उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे तो 11:20 हो गया, बट जो थोड़ा बहुत सुबह खाया था टोस्ट वोस्ट वो सारा बराबर हो चुका है। तो अभी एक अपने को तो ब्रेकफास्ट अच्छा सा चाहिए यार। क्या चीज़ है ये? हाँ ये ले लो, ये एक ये और है। बहुत भूख लग रही है भाई। तो ये जगह का नाम है शॉप डेंग, शॉप डेंग। हम लोग अभी बोल रहे थे शोनॉन पेडेंग करके कुछ बोल रहे थे, बट इट्स शॉन पेंग। अरे यार दूसरी बार प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अपना जहाँ पे आज रुके हुए थे उमगट रिवर के पास में। सो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जीरो पॉइंट। सो जीरो पॉइंट इज़ बेसिकली इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो अभी वहाँ पे जाएंगे, देन उसके बाद में थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो लेंगे, जगह इंजॉय करेंगे। देन उसके बाद में हम लोग निकलने वाले हैं टूवर्ड्स द्वाकी। तो द्वाकी रिवर में हम लोग जो थोड़ा बहुत कवर करेंगे, वैसे तो बाइक ऊपर कल हम लोग घूम लिए थे द्वाकी, बट अभी क्या करेंगे उधर से आगे जाएंगे, एंड हम लोग आज निकलने वाले हैं चेरापूंजी। तो जो मेन पॉइंट था ये उमगट रिवर वाला था, ये ज़्यादा क्लीन है। तो आई वुड सजेस्ट कि द्वाकी उधर पे एक्सप्लोर करने से बेटर ये वाला कवर करो, क्योंकि उमगट रिवर का सीन ये है कि अभी ये पूरा ट्रांसपेरेंट है और ये जगह ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं हुई है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। नाउ वी आर गोइंग टू जीरो पॉइंट विच इज़ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। यहाँ पे पेट्रोल पंप है, आराम से पड़वा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। तो पहले तो फिलिंग कराते हैं। किसी ने फिलिंग नहीं कराना क्या? सो गाइज अभी यहाँ से पेट्रोल पड़वाया है मैंने 1000 रुपीज़ का, जिसमें कि अगेन फुल टैंक हो गया है। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं 0.0 पॉइंट इज़ जस्ट 500 मीटर्स। और पेट्रोल वेट्रोल का कोई टेंशन लेने का बात नहीं, अगर आप गुवाहाटी से भी निकाल मतलब पेट्रोल पड़वा रहे हो देन उसके बाद में डायरेक्ट इधर पे पहुँच रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, चल जाएगा आराम से। थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ जाते टाइम में ना रोड ख़राब हो गई है। लेट्स सी, आई थिंक दिस इज़ ओनली 0 पॉइंट। कहाँ पर है? ओ शेट, बड़ा भीड़ है क्या? ओ दिस इज़ भारत बांग्लादेश मैत्री द्वार। ओके नाइस यार नाइस। ज़बरदस्त वाला मतलब भीड़ है, नीचे देख रहे हो डॉकी में, डॉकी में। हाँ नहीं, ये इधर वाले बांग्लादेशी नहीं है, वो उस साइड वाले हैं। ये तो अपना इंडिया का ही है ना, ये देखो ना उधर से नीचे से जा रहे हैं बांग्लादेश का उस वाला साइड में वो जो दिख रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली द्वाकी, द्वाकी द्वाकी बोलते हैं जैसे। अमेजिंग यार, मस्त जगह है। फाइनली व्हाट अ प्लेस यार, मतलब क्या अमेजिंग जगह है। ये देखो यहाँ पे व्हाट अ प्लेस। अभी छोटा वाला रोड खत्म हो चुका है, अभी हम लोग थोड़ा सा अच्छी कंडीशन वाली रोड में आ चुके हैं लिटरली। मतलब पतले वाले रोड में एक्चुअली सीन ये रहता है कि कॉर्नर ज़्यादा मार के जा नहीं सकते, आगे से आने गाड़ी आगे आने का डर रहता है। तो अभी यहाँ से हम लोगों को एक ऑरेंज करके कुछ है, दो टूरिस्ट मिले थे उन्होंने बताया बेसिकली लोकेशन, तो वहाँ पर थोड़ा अच्छा खाना है। एक्चुअली खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ रहा है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, बट एनी वेज कुछ कुछ जगह मिल जाता है नॉर्मल, मतलब होम कुक टाइप्स ऑफ फूड मिल जाएगा, बट ओनली थिंग इज कि आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। चाय चाय चाय।
सो गाइज अभी यहाँ पे छोटे से ब्रेक पे रुके हुए हैं एंड टी ब्रेक बेसिकली। अभी सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट के लिए भी अच्छा नहीं मिला एंड अभी थोड़ा बहुत खाएंगे देन उसके बाद में निकलेंगे। बेसिकली डिस्टेंस है यहाँ से 92 किलोमीटर्स का, बट टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि अभी जो हम लोगों को कल ऑफ रोडिंग मिला था सेम ऑफ रोडिंग आज भी मिलने वाला है। तो अभी बाकी सारे राइडर आ चुके हैं। दिस इज़ द प्लेस। अभी यहाँ पे टी ऑर्डर कर दिया है तो टी पियेंगे अभी। भाई लोग दोबारा से ऑफ रोडिंग शुरू हो चुका है। ओ माय गॉड। तो ये वाला एक्चुअली जो ऑफ रोडिंग का पैशन है, कल मैंने थोड़ा ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया था एंड वी वर ट्राइंग टू कवर जितना भी किलोमीटर्स रह रहा था। तो बेसिकली ये वाला थोड़ा ऑफ रोडिंग का पैच है। एक्चुअली इट इज़ नॉट ऑफ रोडिंग कि बस रोड बन रही है, बट अच्छी बात है यार, मतलब एटलीस्ट यहाँ तक भी रोड बन रही है। तो सीन कुछ ऐसा है, यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का ये रोड जो है ऐसा ही रहेगा। एक्चुअली हम लोग काफ़ी हाइट पे आते हैं इस एरिया में तो थोड़ा सा ठंडा लगने लग जाता है, बट अदरवाइज़ हम लोग जैसे कि द्वाकी साइड में रुके हुए थे वहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ ऐसा ठंडा नहीं था, बट अर्ली मॉर्निंग अच्छा खासा टेम्परेचर था। क्या धूल है भाई ये। एक्चुअली दो कार वाले गए हैं, वो उड़ा के गए मस्त एकदम तेज़ तेज़ चला रहे थे, बट जल्दी हट गया ना, हवा चल रही है ना, हवा भी एक्चुअली इस साइड की डायरेक्शन में चल रही, सारा उधर उड़ गया। ये दिस शिलोंग द्वाकी रोड NH 40-44 लिखा हुआ था पिछले वाले बोर्ड पे, तो सही है यार, मतलब इसका एक्चुअली एक बार काम पूरा हो जाएगा तो अच्छा है। दिस इज ले बाई मार्केट, बट मार्केट सुनसान पड़ा है, कुछ भी नहीं है अभी। हम लोग देख रहे हो इधर पे साइड में, ये देखो इस तरीके से है यहाँ पे पहाड़ी, और क्या मस्त वाले नज़ारे हैं। एक जगह थोड़ा सा साइड रोक के ना आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक्चुअली क्या लवली प्लेस है। बहुत ही बढ़िया सी लोकेशन पे पहुँचे अभी हम लोग, रास्ते में ही थे एंड कल बेसिकली इसी रास्ते से आए थे, बट लोकेशन देख लो यार एक बार, मज़ा आ जाएगा। ये देखो तो वो वाला जो सामने माउंटेन है थोड़ा कहाँ से शुरू हो रहा है एंड कहाँ तक जा रहा है, तो उस सेम लेवल पे हम लोग खड़े हुए अभी एंड यहाँ पे जो पिछला जो विलेज निकल गया वो है अभी अपने भाई बंधु, देखो कितना दूर होंगे। तो लेट्स सी, तो अभी तो थोड़ा बहुत हम लोग बीच में रुक गए थे एंड यहाँ से थोड़ा सा हाइट पे है इसलिए ठंडा लग रहा है। ये देखो अभी हम लोग आ चुके हैं टॉप ऑफ द हिल, सबसे ऊपर ये वाला पीक है, इसके आगे और कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। लवली। ये तो टायर की क्या बात है, खाने को मिल गया यहाँ पे तो बहुत कुछ। क्या हो गया, तेरे बाल झड़ गए क्या? नहीं नहीं, दर्द हो रहा है यहाँ पे। ओहो, तो ऐसे तो बाल झड़ जाएगा पूरा। खत्म है यार बाल अभी, जल्दी खत्म। ओके गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं लंच के लिए बेसिकली। काफी मस्त ठंडा ठंडा एरिया है, बाइक वाइक हम लोग पार्क होगी यहाँ पे एंड दिस इज यार, ये नाम नहीं पढ़ने आते, नाम पढ़ के बताओ यार क्या है ये, क्या है? नॉन्ग क्लॉ नहीं पड़ा यार। एनीवेज जो भी है खाने पीने का देखेंगे एंड उसके बाद लंच कर लेंगे बाद में। अभी यहाँ से कुछ रह गया 25 किलोमीटर्स का और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आज जाके बेसिकली चेरापुंजी में चेक इन करना है एंड उसके बाद में हम लोग वहाँ से कल हम लोग शुरू करेंगे जो आसपास जो चेरापुंजी के एरिया है वो सारा आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। स्टोरीज़ मैं नहीं डाल पा रहा हूँ इंस्टाग्राम पे क्योंकि थोड़ा बहुत नेट का इशू है। आफ्टर वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर अभी हम लोगों को मिला है चिकन और रोटी। बहुत टाइम लग गया आज सही में। ऐसे पूछा मैंने तो बेसिकली जगह का नाम है नोंगखाओ। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ना डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे।
एनीवेज हम लोगों ने कुछ वेज नॉन वेज दोनों ऑर्डर किया है, फिनिश करेंगे देन उसके बाद में निकलेंगे। गाइस नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चेरापुंजी। तो अभी एक्चुअली जहाँ पे लंच के लिए रुके हुए थे, बाय गॉड 4:11 o'clock हो गया। सो आई वुड से कि अगर लंच करना है तो टाइम पे निकलो और टाइम पे राइड एंड कर दो, क्योंकि दे डोंट हैव ऑप्शंस एंड उसके बाद में ना मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड हम लोगों ने जैसे कि जितना भी खाना ऑर्डर किया वो हम लोगों को उन्होंने बोला वैसे हाफ एन आवर में आ जाएगा, हाफ एन आवर करते करते 1 hour के ऊपर हुआ, दैन उसके बाद हम लोगों को आया खाना एंड फिर खाया। आई वुड नॉट एट ऑल सजेस्ट, बीच में कुछ है थोड़ा बहुत स्नैक उनैक खाते रहो और स्नैक्स खाओ एंड उसके बाद में आगे बढ़ जाओ, बट नॉट एट ऑल सजेस्टेड टू मतलब गो फॉर एनी मतलब बीच में कोई सा भी रेस्टोरेंट पड़ता है, सो डोंट गो। स्नैक खाना है स्नैक खा लो एंड उसके बाद में आगे निकल जाओ, तो आप लोग डेस्टिनेशन पे एक्चुअली टाइम पे पहुंच जाओगे। दे डोंट हैव हैबिट टू सर्व दैट मच ऑफ ऑर्डर, क्योंकि अभी एक दो रहता है, गिन गिन के लोग आते हैं तो इसलिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो उसी हिसाब से वो घर पे ही खाना मतलब उनका होम कुक्ड रहता है। यहाँ पे क्राउड्स के बीच में आ गए हम लोग अभी और इधर पे सनसेट होने वाला है, बेसिकली 4:30 बजने वाला है, अभी ठंडा ठंडा लग रहा है बहुत। दिस क्या मस्त लग रही है, लवली प्लेस यार, मतलब ऐसा हिल टॉप पे आ जाता है एंड देन हिल टॉप पूरा प्लेन में सीधा चलता रहता है ना, मतलब अलग ही लेवल का लगता है। एक बहुत ही अमेजिंग सी लोकेशन पड़ी थी यहाँ पे, तो क्या टॉप पे आ रखा हूँ और मस्त वाला व्यू दिख रहा है यहाँ से, तो थोड़ा सा रुक गया था फोटोज़ के लिए। तो अगर फोटोज़ अगर आप लोगों को देखनी है इंस्टाग्राम पे जाके देखो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी इज़ विकेट राइडर व्लॉग्स, तो मज़ा आ जाता है। क्या बात है, शॉपिंग चल रही है यहाँ पे, टाइम हो रखा है 5 o'clock और क्या खतरनाक वाला फॉग है यार, बाय गॉड वाओ, ठंडा भी लग रहा है। गाइस अभी हम लोगों ने ऑक्साइड लगा ली है क्योंकि कई कई स्टेट्स में अलाउड नहीं रहती है, तो इसलिए इस पर ब्लैक कवर डाल के रखा था, तो अभी यहाँ पे लगा लिया है। देखो पुलक का भी हो गया, ब्लू भाई का भी हो गया और बाकी दो पीछे लाइट्स हैं उसमें भी हो गया, तो अभी जगमगाते हुए जाएंगे, बहुत ज़्यादा फॉग हो रखा है, चलो चले। वो फॉग देख रहे भाई, ये देखो ऊपर ऊपर तक आ रहा है, ठंडा। देखो ऐसे में ना काम आता है, तो रोड पे बेसिकली फोकस पड़ रहा है तो अपने को रोड भी दिख रहा है, अदरवाइज रोड नहीं दिखता। मैदान शाद सिंह खासी, वाह पॉइंट है यार, अच्छा ये यहाँ से वाटरफॉल का पॉइंट है बेसिकली, जो मैंने ड्रोन शॉट लिया था